नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित ऐतिहासिक हम्पी शहर, प्राचीन इतिहास, वास्तुशिल्प, चमत्कार और पौराणिक महत्व का जहां पर खजाना है। ये शहर, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, महाकाव्य रामायण में वर्णित प्राचीन किष्किंधा नगरी से भी निकटता से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम हम्पी के समृद्ध इतिहास, रामायण से इसके संबंध और प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर की पड़ताल करेंगे। इसके अतिरिक्त ये किष्किंधा के अंजनाद्री पर्वत के महत्व पर प्रकाश डालेंगे, जिसे भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। साथ ही बादामी गुफाओं के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। श्री समर्थनाना टूर्स एंड ट्रैवल्स सासवड आणि सावकारदादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीने आपल्या सर्वांचं रामायणामधील किष्किंधा नगरी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। आत्ता आपण जे उभे आहोत हे किष्किंधा नगरीमध्ये राम भक्त हनुमान त्याचं जन्मस्थान आहे, त्याचं नाव आहे अंजनाद्री हिल। श्री समर्थ राणा टूर सासवड आणि सावकारदादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीनं तुम्हा सगळ्यांचं पूर्वीचं विजयनगर साम्राज्याची राजधानी असलेलं हम्पी शहर येथे हार्दिक स्वागत। हम्पीचं वैशिष्ट्य म्हणजे राजा विक्रमादित्य तेनालीरामन माहिती ना, त्यांचं हे राज्य आणि त्याच्याही पूर्वी श्रीरामाच्या काळात म्हणजे रामायणामध्ये जे वाली सुग्रीव यांचं जे राज्य होतं किष्किंधा नगरी ते राज्य म्हणजे हे हम्पी शहर। तर इथे तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत। आता आपण जे आलोय ना, तर ते या राजधानीतले काही छोटे छोटे मंदिर आहेत, अवशेष आहेत, ते पाहायचेत आपल्याला। तिथे एक रथ आहे जो 50 रोटेवरती आहे बघा, आणि त्याच्या मागे साऊंड पिलर आहे, ते पण पाहायचेत आपल्याला। विरूपाक्षी मंदिर बघायचं आहे, हे 2-3 स्थळ आहेत। आणि मेन म्हणजे मुख्य आकर्षण विठ्ठल मंदिर, कानडाऊ विठ्ठलू कर्नाटकू, त्याचं जे मंदिर आहे विठ्ठलाचं मूळ ते आपल्याला पाहायचं। हम्पी विजयनगर राजवंश की राजधानी। हम्पी 14वीं शताब्दी में प्रमुखता से उभरी जब यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बन गई, जो दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक थी। ये शहर विजयनगर राजाओं के शासन में फला फूला और अपनी भव्य वास्तुकला, जटिल मंदिरों और समृद्ध व्यापार के लिए जाना जाता था। वास्तुकला के चमत्कार, हम्पी के खंडहर इसकी वास्तुकला की भव्यता के प्रमाण है। ये शहर शानदार मंदिरों, जटिल नक्काशी और राजसी संरचनाओं से भरा हुआ है। भगवान शिव को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है और आज भी उपयोग में है। विठल मंदिर हम्पी में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक विठल मंदिर है। भगवान विठल, भगवान कृष्ण का एक रूप को समर्पित यह मंदिर अपनी असाधारण वास्तुकला और संगीतमय स्तंभों के लिए जाना जाता है। मंदिर के परिसर में प्रतिष्ठित पत्थर का रथ, पत्थर से बना एक रथ के आकार का मंदिर और संगीतमय स्तंभों का एक हॉल है जो टैप करने पर मधुर स्वर निकालते हैं। हम्पी और रामायण कनेक्शन। माना जाता है कि हम्पी का प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण से ऐतिहासिक संबंध है। इसकी पहचान अक्सर किष्किंधा नगरी से की जाती है, जो भगवान सुग्रीव द्वारा शासित पौराणिक वानर साम्राज्य है और भगवान राम और भगवान हनुमान के साहसिक कार्यों से जुड़ा है। अंजनाद्री पर्वत, भगवान हनुमान का जन्मस्थान हम्पी के पास स्थित अंजनाद्री पर्वत हिंदू पौराणिक कथाओं में वानर देवता भगवान हनुमान के जन्मस्थान के रूप में अत्यधिक महत्व रखता है। भगवान हनुमान को समर्पित अंजने मंदिर के दर्शन के लिए भक्त अक्सर पहाड़ की चोटी तक जाते हैं। शिखर से मनोरम दृश्य मनमोहक है, जो इसे एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बनाता है। श्री समर्थ राणा टूर सासवड आणि सावकारदादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीनं तुम्हा सगळ्यांचं प्रभू श्री रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या किष्किंधा नगरीत म्हणजेच आजच्या हम्पीमध्ये सहर्ष स्वागत। आत्ता आपण ज्या ठिकाणावरती उभे आहोत, जवळपास आपण जमिनीपासून 600 पायऱ्या चढून वरती आलोय। त्या ठिकाणाचं नाव आहे अंजनाद्री म्हणजे पर्वत, जिथं प्रभू हनुमानांचा जन्म झाला। हे आपण ज्या ठिकाणावरती उभे आहोत, जवळपास आपण जमिनीपासून 600 पायऱ्या चढून वरती आलोय। त्या ठिकाणाचं नाव आहे अंजनाद्री म्हणजे पर्वत, जिथं प्रभू हनुमानांचा जन्म झाला। हेच ते ठिकाण आहे जिथून त्यांनी पृथ्वीला गवसणी घालून सफरचंद खायला सूर्य गिळला होता। त्या ठिकाणी आपण सगळे
हे जे समोर मंदिर आहे ते मंदिर जन्म ठिकाणाची खून म्हणून इथे बांधलेले. आपण 600 पायऱ्या चढून आलोय सगळे, आमच्या सारखे वयस्कर आणि तुमच्या सारखे तरुण मंडळी सगळे इथून खाली तुम्ही सगळ्यात तरुण आमच्या कांबळ्याची 83 वर्षाची. बादामी के प्राचीन चमत्कार, गुफाएं, मंदिर और ऐतिहासिक आश्चर्य परिचय. बादामी भारत के कर्नाटक के उत्तरी भाग में बसा एक सुरम्य शहर, प्राचीन रॉक कट वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व का खजाना है. भूतनाथ मंदिर समूह सहित अपने आश्चर्यजनक गुफा मंदिरों के लिए जाना जाने वाला ये शहर उत्कृष्ट जैन और हिंदू मंदिरों का भी दावा करता है. ये लेख बादामी के ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य वैभव की पड़ताल करता है, जिसमें भगवान शंकर गुफाएं, विष्णु गुफाएं, जैन मंदिर, अर्थंतरीश्वर मंदिर और अष्टभुजा गणपति शामिल हैं. बादामी गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों का एक परिसर है जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है. 4 गुफा मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित हैं, जो उत्कृष्ट नक्काशी, मूर्तियां और जटिल वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं. C1 भगवान शिव को समर्पित एक राजसी 18 सशस्त्र नटराज भगवान शिव का एक नृत्य प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है. गुफा 2 भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु की उल्लेखनीय नक्काशी प्रदर्शित है. भूतनाथ मंदिर समूह, ये मंदिर अगस्त्य झील के पास स्थित है और भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है. मंदिर एक शांत जल निकाय से घिरे हुए हैं जो एक सुरम्य वातावरण बनाते हैं. मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है. जैन मंदिर बादामी 9वीं शताब्दी के जैन मंदिरों के एक समूह का भी घर है. ये मंदिर भगवान महावीर को समर्पित है और अपनी वास्तुकला में विस्तृत शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हैं. जैन मंदिरों में जटिल नक्काशीदार खंभे और मूर्तियां हैं. अर्थांतरीश्वर मंदिर बादामी गुफाओं के आसपास स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. यह मंदिर अपने अद्वितीय अष्टकोणीय आकार और उल्लेखनीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. अष्टभुजा गणपति 8 भुजाओं वाले भगवान गणेश का एक अनूठा प्रतिनिधित्व है. यह मूर्ति भगवान गणेश को एक विशिष्ट रूप में प्रदर्शित करती है और बादामी में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आकर्षण है. श्री समर्थ नाना टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स सासवड आणि सावकारदादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीने आपल्या सर्वांचं बादामी केव्ज या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. बादामीच्या गुंफा भारताचा जो ऐतिहासिक ठेवा आहे त्यातला महत्वाचा आहे. हा बदामीचा गुंफा बघा, पहिली जी गुंफा आहे ती शिवशंकराची गुंफा आहे, नंतर विष्णूची गुंफा आहे, त्याच्यानंतर जैन टेम्पल आहे. अशा 4 प्रकारच्या गुंफा पुलकेशी किंवा आपले जे गाईड आहेत चालुक्य हा प्रसन्न गाईड आहे, तो तुम्हाला सगळं सांगणार आहे व्यवस्थित. मस्तपैकी तिथल्या अर्ध नारी नटेश्वर, अष्टभुजा, गणपती ह्या सगळ्याची हिस्टॉरिकल माहिती, जर ऐतिहासिक माहिती घेतली तरच तुम्हाला कळणार आहे बरोबर. आणि हे सगळं व्यवस्थित पाहून तुम्ही इथे यायचंय. याच्यानंतर पलीकडच्या बाजूला भूतनाथचं टेम्पल आहे, एकदम फेमस आहे, आणि ते वॉकिंग जायचंय. आणि सगळ्यात महत्वाचं या बदामीची जी कुलदेवी आहे बारामतीतले बरेचसे लोक मनशंकरी माता. भारतातील प्रसिद्ध पर्यटन ठिकाणी जाण्यासाठी श्री समर्थ नाना टूर्स व ट्रॅव्हल्स सासवडला संपर्क करा. मोबाईल नंबर 9730445409. यह वीडियो हमें श्री समर्थ नाना टूर्स सासवड और सावकार दादा प्रतिष्ठान वाघापुर इनके सौजन्य से प्राप्त हुआ है. हमारा चैनल उनका आभारी है. दोस्तों हो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद.